टाइम कौन है करेंगे। 1600 मीटर यह है सिंहदेव मिठावास, दोनों के बीच में मैच चलता हुआ सेकंड सेमीफाइनल, फर्स्ट एड करेंगे। बहुत बढ़िया होनहार लड़का है, जोरदार तालियों से भाई का सम्मान करें। अनुज पथरेड़ी 1600 मीटर के फर्स्ट प्राइज विजेता, 3100 रुपए और ट्रॉफी देकर सम्मान की तरफ से साथ की डिफेंस कमेटी की तरफ। फर्स्ट रेड 1600 मीटर के सेकंड प्राइज मोहित रोहतक। अब सेकंड रेड फर्स्ट रेड कर रहे हैं रिठावास की तरफ से सनीदेव। और ये क्या आदमपुर की एकेडमी, आदमपुर की टीम ने फर्स्ट मोहित रोहतक 3100 रुपए और ट्रॉफी देकर सम्मानित करें भाई को। मोहित रोहतक 1600 मीटर के सेकंड प्राइज 5 नंबर की जर्सी का रेड रेड करने से लगता है बेहतरीन रेड है ये। आदमपुर की एक तरफ से बेहतरीन स्पीड और बोनस का ट्राई किया, देखते क्या बोनस मिलता है। सभी विजेता खिलाड़ियों को कमेटी की तरफ से ग्राम वासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य के लिए आदमपुर की टीम के नो बोनस बेस्ट ऑफ लक ऑल द बेस्ट। रिठावास की तरफ से रेड करने हैं 1 नंबर की जर्सी का रेडर, 7 का डिफेंस बोनस ऑन, बहुत ही टाइट डिफेंस है आदमपुर का। कॉर्नर पर किक लगाने के प्रयास लेकिन असफल, बोनस का प्रयास लेकिन फिर से असफल। और अब आदमपुर की तरफ से रेड करने हैं इनके कैप्टन, 6 के डिफेंस में बोनस ऑन। और ये क्या सेकंड के प्लेयर ने उन पर डाइव लगाने की कोशिश की लेकिन पॉइंट मिला। बहुत बढ़िया मैच दोस्तों, कल मैं बाद करूंगा आपसे, आ जाना सुरेश आ जाना। 7 का डिफेंस है रिठावास का, रेड करने चला सेकंड सेमीफाइनल, बहुत ही टाइट डिफेंस है आदमपुर का मैं आपको बता दूं। कॉर्नर पर किक लगाने का प्रयास लेकिन फिर से रेड पर चला, 5 नंबर की जर्सी खिलाड़ी नेशनल मेडलिस्ट, 5 के डिफेंस में बोनस ऑफ है लेकिन इस रेडर के पास हर स्किल है, स्पीड बहुत है इस रेडर में लेकिन बोनस ऑफ है, देखते क्या पॉइंट मिलेगा। सेफ रेड हमारे बीच भैया जी बहुत सब बता रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप क्या बोल रहे हो, कुछ थर्ड रेड आई है रिठावास की, सनीदेव रिठावास राठीवास, 7 के डिफेंस में दो रेड में बोनस का एडवांटेज ले सकता है, 7 का डिफेंस हो पर देखते हैं एक जगह फुटवर करते हुए क्या पॉइंट ले पाएगा, देखते हैं। दो रेड राठीवास के रेड पर दबाव बढ़ता हुआ, जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है रेड पर दबाव बढ़ता जा रहा है लेकिन आदमपुर का डिफेंस बहुत ही शानदार खेलता हुआ। और ये लेफ्ट कॉर्नर की गलती के कारण लास्ट की कुछ मिनटों में पॉइंट मिला। रेड पर चले उनके कैप्टन, आदमपुर के कैप्टन, सेमीफाइनल मुकाबले रेडिंग डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। कॉर्नर पर क्या शानदार, लेफ्ट कॉर्नर पर क्या शानदार टच लगाया, अब राठीवास की तरफ से रेड करने आए हैं, 5-8 टच किया छोटे 8 के रेडर, 7 का डिफेंस, फुल हाउस ऑन कोर्ट है इनका। दोनों ही टीमें प्रवीण जी बहुत ही बेहतरीन टीमें हैं, अपने अपने मुकाबले जीतकर यहां तक पहुंची सेमीफाइनल में, बिल्कुल दैया जी प्रो कबड्डी में खेलने के लायक है। और ये सुपर रेड लगा दी, नहीं 2 पॉइंट रेड लगा दी है राठीवास के रेडर ने, शानदार 2 पॉइंट। और प्रदीप जी बड़े उनके कैप्टन लगातार रेड कर रहे हैं, है इस टीम के, इनसे अंक लेना ये मान लो हो गया है इनका भी, जो जगत का आदमपुर के कैप्टन रेड करते हुए एक बेहतरीन शानदार एक अच्छा रेड रहे हैं, बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल रहा है, लगातार रेड्स में पॉइंट लेके आए हैं उनके कैप्टन। और ये क्या 2 पॉइंट मिले, कैप्टन जब चल रहा हो तो आपकी टीम को बढ़त तो मिलेगी, टीम को बहुत पीछे ले जा सकता है। रेड करने हैं एक ही खिलाड़ी बोले 8 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी, दोनों टीमों में बेहतरीन रेड और बेहतरीन कवर का डिफेंस, जैसे कि एक बार भी नहीं हुआ मैं आपको बता दूं,
सटार खिलाड़ी इससे लबालब दोनों टीमें। आदमपुर की टीम में सारे प्रो कबड्डी के स्टार्स भी हैं, कई और आने वाले प्रो कबड्डी के स्टार्स भी हैं। इस प्रतियोगिता देखिए बेहतरीन मुकाबला, कॉर्नर कॉम्बिनेशन कितना तगड़ा है, लेकिन दूसरा मुकाबला पहले मुकाबले में रोहतक की टीम प्रवेश कर चुकी है फाइनल के लिए, नवीन ठोक चुकी है। देखा होगा उनकी जैसी स्पीड, अब देखना देखिए इस टीम में कितनी स्पीड है इस रेड में, और स्पीड ही नहीं स्किल, आदमपुर अकेली स्पीड से कुछ नहीं होता, अपना स्किल होनी चाहिए जो इसके पास है। राठी वास एंटी रेड, दोनों टीमों में अच्छे अच्छे खिलाड़ी है उसकी तरफ से रेड करने आए हैं। आठ नंबर की जर्सी का खिलाड़ी, दूसरा मुकाबला सात के डिफेंस में नागराज आदमपुर वर्सेस सनीदेव एकेडमी राठीवास। लगातार दोनों टीमों में से मेन रेडर रेड करते हुए और कवर्स पर क्या शानदार किक लगा, गजब की किक, परफेक्ट किक। इतने ऐसी छोटी छोटी स्किल आप भी सीख सकते हैं, ऐसी स्किलों के लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, मैं आपको बताऊं। और अब उनके कैप्टन आए हैं रेड पर आदमपुर के, नॉन स्टॉप अभी तक एक भी कैच नहीं लगी है इनके कैप्टन पर। नेशनल लेवल के प्लेयर, बिल्कुल जी बिल्कुल, कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। 31,000 रुपए का राठीवास में सेकंड सेमीफाइनल खेला इंडिया यूनिवर्सिटी, जो भी के गोल्ड मेडलिस्ट के खिलाड़ी भी प्रवेश कर लेगी इस टीम में, जो की बेंगलोर में हुए थे। राठीवास की टीम एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, देखिए कॉर्नर मोहित जो कि आठ नंबर राइट कॉर्नर खेलता है बेहतरीन टैकल, और अब थर्ड रेड आई है पांच नंबर के जर्सी का खिलाड़ी सचिन, थर्ड रेड बोनस हो पांच का डिफेंस सबसे टाइट डिफेंस, लेकिन ये रेडर डोर डाई रेड हो चुके उसमें पॉइंट ला सकता है। देखिए स्पीड से 2 पॉइंट रेड लगा दी है, बहुत बढ़िया रेड लड़का, बढ़िया शानदार सूझबूझ और दिमाग के साथ परफेक्ट रेड रेड लगाता है। आपको बताएं नवीन के जैसे नवीन होता बहुत बेहतरीन। और अब राठीवास की तरफ से रेड एक नंबर जर्सी का खिलाड़ी सात का डिफेंस, आप ये देखिए कि डिफेंस कितना अग्रेसिव है डिफेंस के, लेकिन ये क्या आठ नंबर की राइट कॉर्नर ने गलती की और पॉइंट मिला, बहुत बढ़िया रेड। पिछले रेड में 2 पॉइंट लेके आए थे पांच नंबर की जर्सी का खिलाड़ी आदमपुर की तरफ से रेड करते हुए, चार का डिफेंस बहुत ही टफ डिफेंस है, लेकिन उन्होंने आदमपुर पांच छह के डिफेंस में पॉइंट लिया। राठीवास अभी मुकाबला इतना बहुत ही लंबा कोर्ट हो जाता है, चेयर की डिफेंस में बहुत टफ माना जाता है, मैं आपको बता अगर दोनों की टीमों की, लेकिन ये क्या दोनों तरफ से रेड करते हैं, ये वाह क्या शानदार रन का हैंड टच, एक तरफ पॉइंट की उम्मीद नहीं, एक तरफ मैच की उम्मीद नहीं है, स्किल से भरा हुआ ये रेड, अच्छा मैच लगेगा। दोनों टीमें बेहतरीन है कोच साहब, बिल्कुल जी बिल्कुल, लगातार एक नंबर की बेहतरीन है, तभी तो यहाँ तक पहुंची है प्रवीण जी, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे, अच्छे खिलाड़ी हैं सबका डिफेंस, तभी यहाँ तक टीम पहुंची है, लगातार दो गलतियां कर गया प्रवीण जी, राइट कॉर्नर लगातार दो गलतियां कर चुका है, अगर आप ऐसी छोटी छोटी गलती करेंगे तो आपको एक हमजा भुगतना पड़ेगा जो फर्स्ट सेमीफाइनल है रिडाना की टीम ने शानदार मुकाबला, तो बता दो देखिए वो मैच जाके सनीदेव एकेडमी राठीवास नागराज आदमपुर तीन से बढ़कर चार का डिफेंस हो गया है। देखिए नेशनल लेवल के खिलाड़ी बहुत ही टफ डिफेंस होता है लगातार, जो भी कबड्डी खेलते हैं उनको पता होगा चार और पांच का डिफेंस बहुत ही टफ होता है, लंबा कोर्ट होता है और बोनस होता है। दोनों टीमों में राठीवास की तरफ से एक नंबर की जर्सी का खिलाड़ी रेड करते हुए नंबर एक की में रेड में पॉइंट लेके गए थे, बेहतरीन रेडर फुटवर्क भी अच्छा है और एम्प्टी रेड दिमाग से खेलता है, और फिर से रेड करने चला है इनका स्टार रेड पांच नंबर की जर्सी का खिलाड़ी, बेहतरीन मुकाबला इस रेडर में हर खूबी है, बहुत ही परफेक्ट रेडर है ये, आप आने वाले टाइम में प्रो कबड्डी में खेलते हुए नजर आएंगे। देखिए नेशनल मेडलिस्ट और नागराज आदमपुर स्पीड कितनी है, देखिए इस रेडर में स्पीड और फिर स्किल, नागराज की टीम के पास ये दोनों चीजें अनुभव है, एक परफेक्ट रेडर बना दो। और ये देखिए फिर से पिछले रेड में परवीन जी लेफ्ट कॉर्नर को बाहर किया, इस बहुत रेड में राइट कॉर्नर को बाहर किया, और ये बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ सेकंड सेमीफाइनल राठीवास में 31,000 रुपए का फर्स्ट इनाम पूरा मैच दिमाग से खेलता है, इसमें से जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश कर जाएगी और वो टीम खेलेगी। और दो दिन से हमारे बीच रामकिशन फौजी
बहुत ही बेहतरीन और बोनस का प्रयास लेकिन असफल डिसीजन पे संदेह बिल्कुल नहीं है। लगातार इनके पास बलजीत कटारिया जी बोनस प्लस किक लेकिन आदमपुर की तरफ से यही रेडर लगातार रेड कर रहे हैं और पॉइंट भी लेके आ रहा है। लगातार तीन रेडों में पॉइंट लेके आया है, आपने देखा होगा। दो दिन से आपके बीच में सेवा दे रहे हैं सचिन अगेन सुपर टैकल ओन टीम का डिफेंस तीन से कम डिफेंड होंगे। अगर आप रेडर को टैकल करते हैं तो दो पॉइंट राठी वास की टीम में लेकिन पांच नंबर के जर्सी खिलाड़ी को एक डिफेंडर मुश्किल ही नहीं है क्योंकि इसके पास स्पीड है। आदमपुर 10 सनी देव राठीवास कोई खिलाड़ी जो बाहर से आए हुए हैं रात को जो टीम में यहाँ टाइम आउट के बाद रेड लेने हैं राठीवास चाहे तो जाके खा सकता है, खाना तैयार है। और ये क्या आप रेडर हैं, आप टैकल में मत आइए, आप मेन रेडर हैं। सचिन से नहीं, अगर आप बिल्कुल भी नहीं तो आपकी टीम तो ये गलतियां करेगी। टीम का मेन रेडर और ऐसी गलती प्रवीण जी तीन से बढ़कर चार का डिफेंस हो गया है राठीवास का। देखिए आदमपुर के कैप्टन क्या शानदार बेहतरीन खेलते हुए, ऐसे कैप्टन होंगे तो आपकी टीम फाइनल में पहुंचे ही पहुंचेगी। अच्छा रिवाइवल दुआ था राठीवास की टीम को लेकिन कॉर्नर ने फिर वही गलती की एडवांस टैकल करने की। उनका रेडर बाहर गया ही था, क्यों नहीं रिवाइवल मिल गया जल्दी। अब रेड करने से नहीं फिर से छोटे हाइट के रेडर राठीवास की तरफ से छह से कम एक बार भी डिफेंस में आदमपुर का। आप ये गौर कीजिए और स्टार रेडर की वापसी होते हुए पांच नंबर की जर्सी के खिलाड़ी बिल्कुल नागराज बिल्कुल सतार है ये। और खास बात है इतने बड़े स्टार होने के बाद इनकी एक नागराज की एक खास बात है प्रवीण जी, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुकाबले खेलता है ये मिट्टी पे, बहुत काबिले तारीफ है ये खिलाड़ी। तीन का डिफेंस नहीं है खिलाड़ी सुपर टैकल में लेके आए थे सॉरी और आप टाइम हो गया है। आदमपुर 11 सनी देव एकेडमी 7 हाफ टाइम के बाद फर्स्ट रेड करेंगे राठीवास। सात का डिफेंस है फुल हाउस ऑन कोर्ट बोनस ऑन सनी देव आज के मुख्य अतिथि राठीवास बोनस नहीं दिया जाएगा रेडर को। आज के कैप्टन राइड पर चले हैं फिर से सोना ताउडू से विदाई सुपर टेकल सिचुएशन अभी आधे घंटे में बिल्कुल पिछला जो राठीवास का खिलाड़ी बोनस पॉइंट पे लगेगा था फौजी साहब वो बोनस है 3 पॉइंट लगाए गए हैं पहला बोनस और 2 पॉइंट सुपर टेकल के 3 पॉइंट राठीवास के पॉइंट की बढ़त दिलाई अपनी टीम को राठीवास के डिफेंस ने और रेडर ने। बिल्कुल क्लियर करने आए हैं राठीवास की तरफ से। मैं पिछले खेलो यूनिवर्सिटी कोटा से खेलते हुए कल भी बताया था 7 से 6 का डिफेंस है कल भी बताया था फौजी साहब के डिसीजन और बलजीत कटारिया के डिसीजन पे संदेह करना नामुमकिन मुश्किल है। बिल्कुल डिसीजन देते हैं और 5 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी बिल्कुल सुपरस्टार आने वाला नरेंद्र जी बिल्कुल गुस्से आपका जायज है इतना स्टार है करीबी मुकाबला बहुत टाइम मुकाबला शानदार रनिंग हैंड टच शूट ऑफ करते भाई साहब बेहतरीन रनिंग हैंड टच किया। मैंने आपको बताया है कि लगातार स्किल से भरा हुआ रेड रही और स्पीड है इसके पास के बहुत कम चांस होते हैं जी को सब बेहतरीन खिलाड़ी है उभरता हुआ खिलाड़ी है को सब बिल्कुल बहुत बढ़िया। और ये फिर वही से अपने क्या शानदार दोनों ही खिलाड़ी मिट्टी उठा के अपना अपना दावा ठोक रहे हैं और पॉइंट दिया गया है राठीवास के रेडर को। तो अपना डिसीजन लेते हैं जी अरे होना चाहिए तीन से बढ़कर 4 का हो गया फिर से लेकिन जर्सी का खिलाड़ी लगातार अपनी टीम को बढ़त दिलाते हुए आदमपुर की तरफ से सेमीफाइनल अभी आधे घंटे का दूसरा मुकाबला आज जो टीम जीती वो फाइनल में जाएगी। संजय सिंह जी विधायक सोनाताउड़ू
अभी आते हैं आधे घंटे बाद हमारे बीच पधार रहे हैं और कुश्ती की वीडियोस देखने के लिए बहुत ही और एमटी हरस उल्लास का दिन करने हराठेवास के पास एक नंबर जैसे कमेटी की तरफ से उनका इंतजार किया जा रहा है। छह का डिफेंस बोनस शानदार मुकाबला चलता हुआ कमेटी के सेकंड सेमीफाइनल हराठेवास में 31,000 का फर्स्ट टूर्नामेंट है। जितने भी गांव से दर्शक आए हैं ये हुए दर्शक बैठे हैं प्रवीण जी जिनकी रग में कबड्डी कूद कूद के भरी है लेकिन नो बोनस तभी तो इतनी धूप में भी देखो बिल्कुल जी बिल्कुल होता आपका एक पैर हवा में और एक पैर बैक लाइन के पार होना चाहिए। अब आदमपुर के कैप्टन रेड पर एक भी खिलाड़ी जब तक चार की डिफेंस यही थे एक कैच लगे चार कर रहे थे कि सर्विस चार्ज लगी करवाएं फर्स्ट हमें एक भी कैच नहीं लगी लेकिन पांच नंबर की काफी अंधेरा हो चुका था। कमेटी का निर्णय सर्वमान्य निर्णय है बिल्कुल जी बिल्कुल उसकी टीम भी अच्छी है डिफेंस सही डिसीजन था कमेटी का कम खेल रहा है लेकिन रेड पॉइंट लेके आ रहे हैं फाइनल के मुकाबले थे एक पॉइंट मिला पार की नजर है हमारे एक पॉइंट मिला फौजी आदमपुर के टीम को और नागरा की वापसी होती भी इस एरिया के बहुत के स्टार है और फिर से फुल आउट ऑफिशियल आर्मी के अच्छे कोच रहे हैं रामकिशन फौजी जी फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी में सोन और किक लगाने का प्रयास लेकिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दोनों टीमों में रेडर्स के पास जो भी खिलाड़ी लगातार टोटस पे प्रयास उनसे मेरा अनुरोध है शनि मंदिर में लगातार कवर्स को अटैक बनाते हुए आठ नंबर की जर्सी का खिलाड़ी बिल्कुल बिल्कुल और ये परशूट लगाने की कोशिश कर रही है क्या शानदार परशूट लगा और सुपर टैकल 2 पॉइंट दिए गए हैं क्या शानदार परशूट लगाया था लेकिन फिर उनको टैकल किया गया राठीवास की डिफेंस ने परफेक्ट सुपर टैकल किया और जो भी होता है ना प्रवीण जी अच्छे के लिए होता है बिल्कुल और ये देखिए क्या सुपर एड है देखिए फैसला आता है क्या आता है और 2 पॉइंट दिए गए हैं रेडर्स को। ऑब्जेक्शन चलता हुआ बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला दो टीम जीते वो फाइनल में आदमपुर के कैप्टन और लास्ट 5 मिनट चार से बढ़कर 6 का डिफेंस हो गया है रखीवास का स्कोर बोलना जी लगातार अपनी टीम के लिए पॉइंट लेके आते हुए आर्मी से रिटायरमेंट है पैसे की दाल से अच्छे खिलाड़ी को पैसे दे रहे हैं अपनी जेब से दे रहे हैं कल से हजारों रुपए बांट चुके हैं रामकिशन फौजी चलता हुआ 5 के डिफेंस में आदमपुर के कैप्टन बिल्कुल जी सराहना करी जाए वो कम है। मैंने कल मैच शुरू होने से पहले बता दिया था टच आउट नहीं होगा और ये कॉर्नर लास्ट की कुछ मिनटों में अच्छा टैकल राठीवास का डिफेंस राठीवास की टीम को अब 2 पॉइंट से घटकर 4 का हो गया 4 मिनट लास्ट 4 मिनट बाकी 16-14 स्कोर है 16-14 राठीवास 14 आदमपुर 4 का डिफेंस बहुत ही टफ राठीवास पॉइंट लेना मुश्किल है राठीवास के रेडर के लिए कुछ भी हो सकता है। 5 मिनट बचे हुए इस खेल में वो टाइम आउट लिया गया है और अब टाइम आउट के बाद रेड करने आए हैं 5 नंबर की जर्सी खिलाड़ी उनका स्टार रेडर जो कि हर स्किल से ये वापसी करवा सकता है दूसरे की आवश्यकता नहीं है एक बार में कि खिलाड़ी बोले बोनस का प्रयास आप देख लेंगे और बोनस दिया गया है रेडर को देखिए हर स्किल से भरा हुआ है रनिंग हैंडर्स बोनस ये और क्या टिकल सीटी टांग रहा है और फिर से 4 का डिफेंस में बोनस ऑफ है ये एडवांटेज जबरदस्त मुकाबला और रेडर्स के लिए बहुत मशक्कत से पॉइंट निकलेगा 4 के डिफेंस में और ये राइट कॉर्नर गलती की 2 पॉइंट मिला राठीवास के रेडर को लेकिन आदमपुर की तरफ से 5 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी मैं आपको लगातार बता रहा हूँ लास्ट 3 मिनट बचती हुई 15-16 का मुकाबला और ये पॉइंट लेके आ रहे अपनी टीम के लिए लगातार बेहतरीन रेड शानदार मुकाबला 16-17 का मुकाबला 5 मिनटों में
नेशनल कबड्डी गेम में बहुत कुछ देखने मिलता है। आपने आठ पॉइंट भी आ सकते हैं, आठ पॉइंट बेहतरीन मुकाबला, कोई भी टीम जीत जब तक सचिन ग्राउंड के अंदर है हर चीज पॉसिबल है। प्रवीण जी बिल्कुल खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ी, नाम बता रहा हूँ सचिन, उबरता हुआ खिलाड़ी है, उबरता हुआ खिलाड़ी है। में आपको प्रो कबड्डी दूसरी टीम भी कई कमजोर है, राठीवास सनी बेहतरीन टीम है, सनी और लास्ट टू मिनट रेडर को डिस्ट अपना करें सचिन रेड पर पांच नंबर की जर्सी का खिलाड़ी, बोनस का प्रयास किया था लेकिन और ये टैकल कर लिया। शानदार सक्सेसफुल टैकल रहा और उनके स्टार रेडर को टैकल किया मिनटों में। और अब राठीवास की तरफ से सुपर टैकल सिचुएशन में सुपर टैकल 16-18 का स्कोर, 16 यहाँ पे प्रवीण जी अगर कैच लगती है तो टीम बराबरी पे आ जाएगी, 2 पॉइंट की लीड है, 16-18 राठीवास 2 पॉइंट से आगे चले और सुपर टैकल सिचुएशन यहाँ पे लास्ट में बहुत भयंकर रन है। लास्ट के एक रेड में भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं दिमाग चलता है खिलाड़ियों का, फाइनल टाइम नहीं हो जाता तब तक नेशनल कबड्डी गेम अंदर खड़े उनसे ज्यादा बाहर बैठे हुए का दिमाग चलता है। फर्स्ट सेमीफाइनल टाई हुआ था 5-5 रेड्स में और अब लास्ट एक मिनट है आदमपुर की तरफ से तीन का डिफेंस की टीम के पास 3 की लीड होगी। क्या बात है, क्या बात, और ये बेहतरीन क्या शानदार टैकल किया और सुपर टैकल मान गए, बेहतरीन टैकल इस रेडर ने, सुपर टैकल बिल्कुल बेहतरीन, एक शानदार टैकल किया इस लड़के ने और अपनी टीम को वापसी करवाई और इनके रेडर की वापसी हो गई है और स्कोर है 18-18। उसके बाद एक रेड खाली गया और सेकंड रेड है ये और लास्ट कुछ मिनट चलती हुई फर्स्ट सेमीफाइनल टाई हुआ था और ये भी टाई के आकार बनती हुई दोनों 18-18 और डीपी और अब आएगी थर्ड रेड और टाइम हो गया है और सेकंड सेमीफाइनल भी टाई, स्कोर 18-18 दोनों ही सेमीफाइनल मुकाबले बेहतरीन। अब 5-5 रेडों पे मैच जा रहा है, फर्स्ट रेड पे ये सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला 5-5 रेड पे जा रहा है, दोनों टीम 5-5 रेड लगाएंगी, जो टीम जीतेगी फाइनल में जाएगा। 5-5 रेड में से फर्स्ट रेड लगा रहे हैं आदमपुर की तरफ से, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला और बिल्कुल प्यार से खेलो बेटा आदमपुर के, ये रेडर को डी है अपनी डी उनके बोनस का काम करेगी, अगर डी क्रॉस करता है तो उसको बोनस पॉइंट मिलेगा, डी क्रॉस नहीं करता तो रेडर आउट होगा। सनी देव एकेडमी दोनों के एक एक रेड हो चुके हैं, शानदार खेलेंगी और अब रेड करने हैं 2 नंबर की जर्सी का रेड, लास्ट 12 नंबर की जर्सी का रेड मैच जा सकता है, डी बन गई है बोनस, शानदार मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच, सनी देव अकेडमी राठीवास वर्सेस आदमपुर नागराज। राठीवास सनी अकेडमी की तरफ से छोड़ दिया बोनस और बोनस दोनों टीमों की 2-2 रेड हो चुकी हैं और स्कोर बराबर है अभी तक। कोई बात नहीं, मैं बोनस पे खड़ा हूँ फौजी साहब, टेंशन ना लो। और 3 रेड हो चुके हैं आदमपुर की, 3 रेडों में पॉइंट आया है, सेमीफाइनल जैसा सेमीफाइनल चलता हुआ, 3 रेड हो चुके हैं, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, डॉक्टर ऊपर आ जाएं, 4th रेड लगाने गए हैं आगरा आदमपुर की तरफ से, बहुत ही कांटे का मुकाबला चलता हुआ
लखबीर नंबरदार सामने स्टेज पे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ स्टेज पे। और पॉइंट मिला नागरा को, नागरा को पॉइंट मिला। कोई बात नहीं सचिन ने गिना ताला भाई, तुमने कैसे की ताला की टेंशन ना लो तुम। उनकी कॉर्नर नंदलाल जी बोनस पे आ जाओ। और चार रेड्स में दोनों ही टीमों के इक्वल स्कोर है। अब रेड कर रहे हैं सचिन, इनका स्टार खिलाड़ी, पांच नंबर की जर्सी का रेड बराबर है। चार चार का स्कोर दोनों टीमों के, एक एक, एक रेड बाकी है। ऐसा ही ना जी, कड़ा मुकाबला, टफ मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला। हाँ जी, आदमपुर की तरफ से लास्ट रेड और उनके स्टार रेडर सचिन, पांच रेड हो चुके हैं बेहतरीन। और अब फिफ्थ रेड आई है, नेशनल प्लेयर सचिन रठेवास की तरफ से। बिल्कुल भाई, नो क्लैपिंग। पांच पांच रेड्स में भी स्कोर इक्वल, पांच पांच रेड्स में भी मुकाबला बराबर होते हुआ दोनों ही टीमों के बीच देखते हैं क्या होगा। अब तीन तीन रेड्स दी जाएंगी, पांच पांच रेड्स पे मुकाबला टाई होते हुए भी सबसे शानदार सेमीफाइनल टू मुकाबला। ऐसा मुकाबला कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, पांच पांच रेड में भी टाई मुकाबला। तीन तीन से फर्स्ट रेड करेंगे आदमपुर की तरफ से, आदमपुर के कैप्टन सचिन रेड रहेगा। क्या नाम इसमें फर्स्ट रिंकू रेड करने उनके कैप्टन, रिंकू पे निशान लगा देना। एक पॉइंट, एक पॉइंट मिला उनके रेडर को। रिंकू अभी रेडर का नाम बताओ, रेडर का नाम बोलो क्या भाई। अब मुकेश जी राठीवास की तरफ से मुकेश पे निशान लगा, रेडर का नाम नोट करें। मुकेश राठीवास की तरफ से बहुत ही कड़ा मुकाबला, कोच साहब दोनों टीमों के बीच, तीन तीन रेड, शानदार मुकाबला चलता हुआ। फर्स्ट रेड पे आ चुका है सेमीफाइनल का मुकाबला। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला, कड़ा मुकाबला। और लेफ्ट कॉर्नर ने गलती की, एक एक बराबर। रेडर का नाम बता सचिन, क्या नाम है इसका। कोकी रेड, कोकी पे तीन तीन रेड में आदमपुर की तरफ से, आदमपुर की तरफ से, आदमपुर की तरफ। दोनों टीमें दिमाग से खेलती है, क्या बात है। और पॉइंट मिला हल्के वजन का, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, दोनों ट्राई जबरदस्त। ये ऐसी ट्राई की है परवीन जी, इस ट्राई में जब फंस गया ना तभी मान लिया जमूर में फंस गया। बहुत बढ़िया, हल्ल की गुंजाइश नहीं है, ये ट्राई ऐसी है, सहमत है आपकी बात से। दोनों ही बेहतरीन ट्राई की थी, अमूल्य पॉइंट है। हाँ देख लग रहा, टेंशन ना ले। थर्ड रेड लास्ट रेड, नरेंद्र जी बोनस पे आओ जल्दी, चलो। लास्ट हेड, लास्ट हेड है ना जी, आखिरी रेड है भाई, अंतिम रेड राठीवास की तरफ से, लास्ट हेड निर्णायक रेड। मैच फिर से बराबर, बोनस और आप गोल्डन रेड पे मैच आ चुका है। बहुत ही शानदार मैच है, ऐसे मैच अभी तक नहीं देखा। गोल्डन रेड्स के लिए टॉस उछलता हुआ और जीता है राठीवास ने। और अब रेड करेंगे राठीवास के, गोल्डन रेड जीत ली है राठीवास के कैप्टन ने, अब रेड करेंगे, डिफेंस में करना होगा। गोल्डन रेड कर रहे हैं सात नंबर की जर्सी का खिलाड़ी, अलग से खिलाड़ी उतारा राठीवास ने, राठीवास ने मैच जीत लिया है।